85 रुपये पहुँचा पेट्रोल और डीजल हुआ 70 से ऊपर। प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। जी, इस समय हम खड़े हैं लुधियाना के पेट्रोल पंपों पर कि जहां पर लोग पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं और अपना रोना रो रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आए दिन जिस तरह पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं उससे उनके घर का जो है बजट हिल चुका है। आइए जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या क्या मुश्किलें हैं। रोज पड़े 30 पैसे 40 पैसे पड़े बढ़ रहा, पहले 2 पैसे 5 पैसे बढ़ता था, 40 पैसे 30 पैसे रोज पड़े बढ़ रेट हो गया 84 रुपये 83 पैसे लीटर हो गया। बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत जिस सरकार को तो चाहते नहीं कि बिल्कुल चक के मारो बात। देखो, तेल फिल कराने में इतनी देर लग जाती है और इतना रेट बढ़ चुका है कि हमारा जो बजट सब हिल चुका है और हमारी घर की जरूरतें यहाँ पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार का बहुत माड़ा हाल है जी, डेली महंगाई इन्नी वधी जा रही है, की करूँगा आम बंदा, असी इन्ने परेशान होए पाए इस चीज़ तो। आम बंदे वास्ते बहुत मुश्किल है जीना, लोड़ दी जिहड़ियां रूटीन दे विच अपनियां लोड़ां ने उहनीं पूरियां हो रहीयां, तेल दे विच इन्ने पैसे जा रहे ने, बहुत औखा है। नहीं जी, जे इस तरह ही साल रहे तो मोदी सरकार मेरे हिसाब नाल नहीं आनी चाहीदी। बिल्कुल नहीं जी, आम पब्लिक नहीं चाहेगी कि इस सरकार दोबारा आवे। जदों दी सरकार आई है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो पब्लिक नूं रही रही है, कभी डीमोनेटाइजेशन, कभी GST, यह तो रोज़ की जरूरत है ना, इन्हें तो ये बिना तो सरना ही नहीं है, तो ऐसे रेट बदले रहेंगे कि कौन चाहेगा कि सरकार दोबारा आए। देखो, घर के बजट तो जिहड़ा सानू हाउस वाइफ्स नूं मिलता है वह बहुत ज़्यादा फर्क पैंदा है। जेब के बच्चे अगर 200 पेट्रोल पवाने तो ठीक है, टैंकी फुल हो जाती सी, हुण नहीं लगता भी कुछ की होंदा होगा। लुधियाना से अभिषेक के साथ अमनदीप खैरा, टाइम्स पंजाब TV।